अपनी आईएसएफ की अब मैं क्या कहूँ बेटियों, हमारी फ्यूचर के लीडर्स, ख्वातीन के लीडर्स, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मुझे मौका मिला आपसे बात करने का। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं आज आपके सामने बातें करूँ, आपने ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह ये बात लेके जानी है, क्योंकि मैं आपसे पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो मुल्क के लिए जहाद लड़ने की, जो हकीकी आज़ादी है इसके लिए आप पॉलिटिक्स नहीं करते, आप जहाद लड़ते हैं। और ये है आपकी मुस्तकबल के लिए, आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए, इंशाल्लाह जब आपके बच्चे होंगे उनके लिए, ये आप अपनी फ्यूचर के लिए एक जंग लड़ रहे हैं। और ये है क्या, मैं ज़रा आपको बड़े आसान तरीके से समझाना चाहता हूँ कि ये हकीकी आज़ादी है क्या। देखिए, सबसे ज़्यादा दुनिया की तारीख में अगर किसी इंसान ने ज़्यादा अचीव किया है, ना किसी ने पहले किया ना कोई बाद में कर सकता है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उन्होंने क्या किया था, हमेशा अपने आपसे ये सवाल पूछे हैं कि क्यों अल्लाह हमें कहता है कि उनके रास्ते पे चलो, अल्लाह का हुक्म है कि उनके रास्ते पे चलो, उनके रास्ते पे चल के अल्लाह को तो कोई फायदा, अल्लाह तो बेनियाज है, उसके पास तो सब कुछ है, उसको तो वो तो खुद कफील है, अल्लाह हमारी बेहतरी के लिए कहता है कि उनके रास्ते पे चलो, क्योंकि किसी इंसान ने वो अचीव नहीं किया जो उन्होंने किया। हम यूनिवर्सिटीज़ में जब हम पढ़ते थे तो हमें भी रोल मॉडल्स, हमारे रोल मॉडल्स जिनकी हम किताबें पढ़ते थे, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ते थे, उनकी बायोग्राफीज पढ़ते थे, वो क्यों पढ़ते थे, क्योंकि वो उन्होंने ज़िंदगी में कोई अचीव किया हुआ था। मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मैं क्रिकेट में भी मेरे रोल मॉडल्स होते थे, उनके ऊपर पढ़ता था कि कैसे उन्होंने क्या किया। लेकिन जिस इंसान ने इंसानी तारीख में वो अचीव किया जो किसी ने किया ही नहीं है, एक है किताब द 100 ग्रेटेस्ट मैन, उसमें नंबर वन जो वो, और वो किसी मुसलमान ने नहीं लिखी किताब, जो नंबर वन है वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन टर्म्स ऑफ ग्रेटनेस। तो इसलिए अल्लाह कहता है कि उनकी जिंदगी से सीखो। अब जो उन्होंने मदीना की रियासत बनाई थी वो उनकी सुन्नत थी, हमें असूलन सबको स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, हम सबको पता चलना चाहिए था कि वो क्या हुआ था, वो क्या दुनिया का इनकलाब आया था कि वो 10 सालों के अंदर इंसान बदल गए, जिनकी कोई अहमियत नहीं थी उन्होंने दुनिया की इमामत की। ये तारीख का हिस्सा है कि रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, सुपर पावर्स, एकदम ये 10 साल के फिनोमेना में 622 और 632 के बीच में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे मदीना और जब वो दुनिया से गए, उन 10 सालों के अंदर इंसान बदल गए और उन्होंने दुनिया की इमामत की, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो क्या हुआ था, उन्होंने हकीकी तौर पे लोगों को आज़ाद किया था, इंसानों को आज़ाद करके उनके पोटेंशियल को आज़ाद कर दिया था, छोटे से इंसानों को बड़े इंसान बना दिया था। जो मौलाना रूमी कहते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए तो क्यों ज़मीन पे रेंग रहे हो चूंटियों की तरह, हम सब के पास पर है, हम कोई भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि हम अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, उसने जिसके फरिश्तों को कहा कि इनके सामने झुको, इंसान के सामने, हम वो लोग हैं। लेकिन हम अपनी हैसियत नहीं जानते, हम जानते नहीं हैं कि अल्लाह ने हमें कितनी ताकत दी है। जब शैतान ने कहा कि मैं नहीं झुकता, ये मिट्टी का बना हुआ है, मैं आग का, तो अल्लाह ने कहा तुम्हें नहीं पता कि मैंने इसे कितनी ताकत दी है, सलाहियत दी है, पावर दी है। तो हम सबको अल्लाह ने पावर दी है, हम सब में पोटेंशियल है,
कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम जंजीरें बंधी हुई हैं जो रोकती हैं हमें ऊपर जाने से। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में वो जंजीरें तोड़ दी, इंसानों को आजाद कर दिया, उनको पर दे दिए। वही लोग थे, और ये तारीख का हिस्सा है, वही लोग थे जिनकी कोई हैसियत नहीं थी दो सुपर पावर्स के सामने। 10 सालों के अंदर वो तब्दील हो गए, और वो जिस्मानी इनकलाब नहीं था, वो फिक्री इनकलाब था। जिनों के अंदर तब्दीलियां आई थी, औरतों को उन्होंने आजाद कैसे किया, राइट्स देके। आज भी पाकिस्तान में मैं समझता हूं कि हमने, बावजूद कि हमने कानून भी पास किया, 80% ख्वातीन को उनके इनहेरिटेंस राइट्स नहीं मिलते जो उन्होंने 1500 साल पहले उन्होंने औरतों को दिए थे, उनको राइट्स दिए थे। उन्होंने वाज़े तौर पे ख्वातीन के राइट्स स्पेसिफाई किए थे कानून के अंदर, उन्होंने उनको राइट्स दिए और इंसाफ दिया था, बराबर के उन्होंने इंसान बनाया था। पहले औरतें और आदमियों को बराबर के इंसान नहीं समझते थे। उन्होंने गुलामों को आजाद किया था, मुसलमान वाहिद मुसलमान की तारीख है कि गुलाम बादशाह बन गए। हिंदुस्तान में स्लेव डिनेस्टी थी, मामलूक्स जो इजिप्ट में थे वो गुलाम थे जो बादशाहत की उन्होंने, तो गुलामों को उन्होंने आजाद किया, ख्वातीन को आजाद किया, इंसानों को कैसे आजाद किया, इंसाफ देके। इंसाफ जो होता है वो आपको आजाद करता है। जब मुझे कानून प्रोटेक्ट करता है ताकतवर से, तब मैं आजाद होता हूं। आज आप अगर बदतरीन गुलामी इंसानों की देखनी आपने, तो अंदरून सिंध चले जाए, जिस तरह वो इंसानों को, वो उनके ताकतवर उनके वडेरे इंसानों को रखते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं जितना बाहर मगरबी दुनिया में सफर किया है, जानवरों को इस तरह वहां मगरब में रखे उनके ऊपर वो जेल में डाल देते हैं। जानवरों से अगर वो जुल्म करें वो लोगों को जेल में डाल देते हैं वहां, जो इंसानों से जुल्म होता है। खास तौर पे मैं अंदरून सिंध की बात कर रहा हूं कि कोई उनके राइट्स नहीं है। तो जब आपके हकूक नहीं होते तो फिर इंसानी माशरा नहीं रहता, वो जानवरों का माशरा बन जाता है। जानवर और इंसानी माशरे में फर्क ये होता है कि इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है। जब इंसानी माशरे में इंसाफ नहीं होता, फिर वो जानवरों, बल्कि जानवरों से भी नीचे चला जाता वो माशरा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया इंसाफ। और इंसाफ क्या था उनका, कि दो, उनके बाद मदीना की रियासत में दो खलीफा वक्त अदालत में जाते हैं, खलीफा होते हुए अदालत में पेश होते हैं, और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला एक यज़ीदी से अदालत में केस हार जाते हैं खलीफा होते हुए, क्योंकि जो काजी है वो उनके बेटे की गवाही कबूल नहीं करता। हजरत अली यानी उनका मुकाम देखें, एक यहूदी शहरी से केस हार जाते हैं। आप सोचें कि वहां इंसाफ का क्या लेवल होगा, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे। आज आप सोच सकते हैं कि किसी भी मगरबी माशरे में, जिसको हमारे से बेहतर इंसाफ का निज़ाम है, वहां कोई उनका हाकिम हो, उनका सरबरा हो, वो एक किसी और माइनॉरिटी से केस जीत हार जाए, वहां भी तसव्वुर नहीं है। तो ये था लेवल उनका इंसाफ का, जिसकी वजह से इंसान आजाद हो गए, जिसकी वजह से उनकी परवाज ऊपर चली गई, जिसकी वजह से वो, उन्होंने कई 100 साल तक दुनिया की इमामत की, वर्ल्ड लीडरशिप की उन्होंने हर चीज में, चाहे वो साइंसेस हों, चाहे वो किसी इनोवेशंस, हर चीज में वो आगे निकल गए, क्योंकि इंसान आजाद हो गए। तो मैं जो आपको चाहता हूं, जब आप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाएं, तो आप समझाएं कि हम इस तरह कहीं नहीं जा रहे, इस तरह के निजाम में जिस तरह चोर ऊपर आके बैठ जाएं, माने हुए मुल्क के डाकू अगर मुल्क के ऊपर बैठ जाएं, आप एक फैक्ट्री के ऊपर चोर बैठा दें, वो फैक्ट्री आपकी बंद हो जाएगी, मुल्क कैसे चल सकता। आज सारी जितनी भी गरीब मुल्क हैं, उन सारों की एक ही कहानी है, वहां
वह इंसाफ नहीं है, वह रूल ऑफ लॉ नहीं है, वह इंसाफ की हुक्मरानी नहीं, वह जंगल का कानून है। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, जो कमजोर है उसको इंसाफ नहीं मिलता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई कि कमजोर जब चोरी करे वो जेल में, और ताकतवर जब चोरी करे तो उसको NRO मिल जाए, उसको पकड़े ना, जो आज यहाँ हमारे मुल्क में। उन्होंने तब कहा था कि कौमें तबाह हो जाती हैं, जिस कौम में रूल ऑफ लॉ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। और ये सारी गरीब मुल्कों की यही कहानी है आज, वहाँ हर जगह जरदारी और शरीफ बैठे हुए चोरी कर रहे हैं, मुल्क का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं और दूसरों से भीख मांग रहे हैं कि जी हमें डॉलर्स भेज दो। ये सारे गरीब मुल्कों का यही मसला है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। मैं इसलिए जब मैंने पॉलिटिक्स शुरू की तो तब मैंने अपनी इंसाफ की तहरीक, यानी मैंने एक चीज़ आइडेंटिफाई की कि अगर हम इंसाफ ले आए पाकिस्तान में तो हम ये मुल्क आज़ाद हो जाएगा और ये अजीम मुल्क बनेगा। तो ये जो हकीकी आज़ादी है इसकी अभी जद्दोजहद जारी है। चोर ऊपर बैठ गए हैं, एक इंग्लिश में सेइंग है कि लूनेटिक्स हैव टेकन ओवर द असाइलम, कि पागलों ने पागलखाने पे कब्जा कर लिया, यानी चोरों ने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। तो अब वो हर रोज उनके केस माफ हो रहे हैं, पहले कानून बनाते हैं खुद, पहले खुद कानून बनाते हैं असेंबली में जाके, नैब लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, फिर बारी बारी इनके केस खत्म हो रहे हैं अब चोरों के। तो इतनी मैं इनको बार बार कहता हूं कि फिर जेल खोल दें, वो बेचारे गरीब लोगों का क्या है, वो जो गरीब सारे चेर जेलों में भरे हुए हैं। और इसलिए ये याद रखें कि जब तक हम इसके लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, ये जो अब हमारे साथ मुल्क से हो रहा है, ये अगर हम आप खड़े इसके लिए नहीं होंगे तो वो फिर कौमें तबाह हो जाती हैं। कुरान की आयत है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। कौमें रहती नहीं है, तबाह हो जाती हैं। यूगोस्लाविया नहीं है अब, पहले एक हमारे जमाने में एक मुल्क था वो खत्म हो गया। सोवियत यूनियन नहीं रही अब, वो रशिया वो थोड़ा सा रह गया। हमारे होते होते ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, बांग्लादेश बन गया। तो ये ना समझे कि मुल्क रह जाते हैं, जब तक मुल्क अपनी इंसाफ के लिए जद्दोजहद नहीं करते, अपने हकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपनी आज़ादी के लिए कौमें नहीं खड़ी होती, वो फिर कौमों में तबाह हो जाती हैं। जी आप आज़ादी तब लेंगे, आप तब लेंगे जब आप हर यूनिवर्सिटी, आप सारा ये इलाका इस्लामाबाद पिंडी आपस में बांट लेंगे। और आपने जिस तरह जब पाकिस्तान की तहरीक चली थी, तहरीक पाकिस्तान, तो तब भी मेरी वालदा की जनरेशन वो जाते थे कॉलेजेस के अंदर और अपनी आज़ादी की तहरीक की वो पूरी जद्दोजहद करते थे, लोगों को अपनी तरफ लेके आते थे। और आप जितनी एज की तब भी हमारी ख्वातीन आपकी एज की वो जाके पूरी इसके लिए जद्दोजहद करती थी और तबलीग करती थी और लोगों को तैयार करती थी। इसलिए आपने बड़ा ये जो वक्त है, ये फैसला कौन वक्त है पाकिस्तान की तारीख को, ये इंशाल्लाह जिस तरह कौम में बेदारी आई है, जिस तरह कौम में शऊर आया हुआ है, तो इंशाल्लाह अगर हम सब इस वक्त मेहनत करें, लोगों के अंदर जाएं, तो मुझे कोई मेरे में शक नहीं है कि ये इंशाल्लाह ये जो तहरीक है हमारी, ये हकीकी आज़ादी की तहरीक, ये कामयाब होगी। तो आपने सबने मेरे से वादा करना है कि लोगों के पास आपने लोगों के पास जाना है, मेंबरशिप करनी है। नायला मुझे बड़ा पसंद आया आपकी जो आपका जज्बा और जुनून था और आप में जो शऊर था, यानी जो आपने कई बातें की वो बड़ी
मैंने बड़े बड़े देर में जो पॉलिटिक्स में लोग रहते हैं उनसे नहीं सुनी वो बात, क्योंकि देखें दो चीजें होती हैं पॉलिटिक्स, आपने समझ लिए। एक है पॉलिटिक्स जो दुनिया में बदनाम है, आदमी या औरत पॉलिटिक्स में आती है अवाम की खिदमत करने के लिए और वादे करती है कि मैं खिदमत करूंगी अवाम की या करूंगा, और उसके बाद खुद पैसे बनाने शुरू हो जाते हैं, लोगों को लूटना शुरू हो जाते हैं। और दूसरे हैं जो पॉलिटिक्स को इबादत समझते हैं, जो पैगंबरों का रास्ता था वो भी स्टेट क्राफ्ट थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना की रियासत संभाली थी, लेकिन वो एक इबादत में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि उन्होंने लोगों की जिंदगियां बदल दी, इंसानों को उठा दिया, फलाई रियासत बना दी, इंसाफ कर दिया, हकूक दे दिए, वो भी पॉलिटिक्स है। तो दो पॉलिटिक्स है, एक कायद आजम की है, एक इन चोरों की है। और आप जो पॉलिटिक्स करेंगे वो इबादत, आपकी इबादत में शामिल होगी, क्योंकि आप अपनी जात के लिए नहीं करेंगे, आप अपनी कौम के लिए करेंगे। जिस तरह कश्मीर के लोग हैं जो मकबूजा कश्मीर में, यानी वो किन मुश्किलों में उनकी ख्वातीर निकलती हैं, जुल्म होता है, लेकिन वो बार बार कुर्बानियों के बार बार निकलती रहती हैं, क्योंकि वो सब कुछ समझते हैं कि गुलामी, गुलाम कौम कभी खड़ी नहीं हो सकती, गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं, सिर्फ आज़ाद कौमें ऊपर जाती हैं। और वही जो मैंने फिर से कहा कि मदीना की रियासत हमारे लिए हमेशा के लिए एक मिसाल है मुसलमानों के लिए कि कैसे एक इंसान बदले, और वो दुनिया की उन्होंने इमामत की। और इसलिए अल्लाह कहता है कि उनके रास्ते पे चलो हमारी बेहतरी के लिए, कि अगर हमने इससे निकलना है जिस दलदल में हमें फंसाया हुआ है, कर्जे ले लेके वो हमारा वो शहबाज शरीफ जाता है हर जगह कहता है जी देखे मैं भीख तो नहीं मांग रहा, मैं मजबूर हूँ, मजबूरी है, मैं भीख तो नहीं मांगना चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं मांगने नहीं आया। तो वो असल में सारी कौम को जलील करता है, खुददार कौमों की इज्जत होती है, जो इंसान अपनी इज्जत करवाता है उसकी इज्जत होती है। आप अपनी अगर इज्जत नहीं करवाएंगे दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी, दुनिया के सामने हाथ फैलाएंगे कोई इज्जत नहीं करेगा। तो इंशाल्लाह मैं आपकी सबकी अब ड्यूटी लगा रहा हूं, मैं आपको एक दो महीने दूंगा, नहीं एक महीने में मुझे, मैं देखूंगा कि आपने कितनी मेंबरशिप की है, आपकी कितनी बड़ी ये हमारी आईएसएफ की तंजीम कितनी बड़ी बन जाती है, और इंशाल्लाह फिर आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया।